सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, Xiaomi का Redmi Note 6 Pro हो गया है लॉन्च और ऐसे में काफी सारे लोग हो गए हैं कंफ्यूज कि Realme 2 Pro ले या Xiaomi Redmi Note 6 Pro। काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है इन दोनों फोन्स के अंदर, कहीं पे कोई फ़ोन थोड़ा सा एज लेके जाता है, कहीं पे दूसरा फ़ोन थोड़ा सा एज लेके जाता है, कहीं कोई बैटरी किसी की थोड़ी सी ज़्यादा है तो कहीं पे लुक एंड फील किसी का अच्छा है, कहीं पे अगर कैमरा क्वालिटी किसी की थोड़ी सी ऊपर जाती है तो कहीं पे किसी की नॉच वाला डिस्प्ले जो है, जिसकी अच्छी नॉच है, वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। मुकाबला है बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों फ़ोन्स के बीच में, अगर आप भी हैं कन्फ्यूज Realme 2 Pro या Redmi Note 6 Pro के बीच में, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। Redmi Note 6 Pro के अंदर आपको मिलता है 636 का प्रोसेसर जो कि 1.8 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। मैं बात कर रहा हूँ 4GB और 64GB के वेरिएंट के बारे में। वहीं पर आपको Realme 2 Pro के अंदर आपको मिलता है 660 का प्रोसेसर, उसके अंदर आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। तो अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं Realme 2 Pro जो है वो Redmi Note 6 Pro से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। फिर मैं बात करता हूँ कैमरे के बारे में। कैमरा जो है वो रियर अगर बात करता हूँ तो दोनों का लगभग सिमिलर है, लेकिन वहाँ पर आपको Realme 2 Pro के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ Redmi Note 6 Pro के अंदर, उसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। फ्रंट की अगर बात कर देता हूँ तो वहाँ पर Realme 2 Pro के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिले, जबकि Note 6 Pro की अगर बात करता हूँ तो वहाँ आपको 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो सेल्फी कैमरे की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं डिटेलिंग में जाता हूँ तो Redmi का जो फ़ोन है वो बाजी मार के ले जाता है। तो अगर रियर और फ्रंट की बात करूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर एक बारी को अगर एज देना है तो फ्रंट कैमरा के अंदर आपको Redmi का कैमरा थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, या जहाँ पर बुके इफेक्ट की बात आती है वहाँ पर डिटेलिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा Redmi के फोन के अंदर मिल जाएगी। बाकी रियर कैमरे की बात करता हूँ तो दोनों की परफॉर्मेंस लगभग नेक टू नेक चलती है। अब बात करता हूँ दोनों के डिस्प्ले की, तो Redmi के फोन के अंदर आपको 6.26 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जबकि Realme के फोन के अंदर आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। जहां तक डिस्प्ले की बात करते हैं, लगभग साइज दोनों का बराबर है, लेकिन अगर लुक एंड फील की बात करेंगे तो जो नॉच है वो Redmi के फोन में काफी बड़ी है, जो शायद आपको इतनी पसंद नहीं आएगी। वहीं पर Realme की जो नॉच है वो डेफिनेटली आपका दिल जीत लेगी, बहुत ही कम नॉच है। और मैंने देखा है काफ़ी सारे, जब आप YouTube के वीडियोस देखते हैं या फिर आप गेम खेलते हैं, तो जो नॉच है वो Redmi की इतनी अच्छे तरीके से नहीं करती। हालांकि UI का अपडेट होगा तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को ठीक कर देंगे, लेकिन अभी तो करंट सिचुएशन में अगर बात करता हूँ तो Redmi की नॉच जो है वो थोड़ा सा डाउन है, Realme की नॉच के बराबर नहीं जाती है। Realme की नॉच जो है वो अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं जब आपको एक रिच फील भी एक करा देती है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ बैक पैनल के बारे में। बैक पैनल जो है वो डेफिनेटली Realme का काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है, ग्लास जैसी फील देता रहा है। ग्लास का नहीं है, पॉलीकार्बोनेट का है, लेकिन फील काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट, जैसे आप फिंगर से इसको टच करते हैं वैसे अपना निशान छोड़ देता है। वहीं पर अगर मैं Redmi के फ़ोन की बात करूँ तो थोड़ा सा ये एक ट्रेडिशनल Redmi के फ़ोन जैसा ही फील कराता है, लेकिन अगर क्वालिटी टफनेस की बात करता हूँ तो क्योंकि ये एक मेटल का फ़ोन है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रांग उसके अंदर फीलिंग आपको आएगी। बात करता हूँ P2i कोटिंग नाम से इनको देते हैं Redmi के फ़ोन, जो बोल रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर एक कोटिंग हमने कर दी कि पानी डालेंगे तो खास मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वहीं पर सेम चीज़ जो ग्लास फिनिश के अंदर भी आते हैं, तो उसके अंदर भी आप पानी डालेंगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को मैं इसके अंदर लगभग एक जैसा ही मानता हूँ। हाँ, लुक एंड फील की बात करें तो Realme का जो फ़ोन है वो थोड़ा एज लेके जाता है Redmi के फ़ोन के मुकाबले, और टफनेस की अगर बात करता हूँ तो Redmi का फ़ोन लेके जाता है एज Realme के मुकाबले। दोस्तों, दोनों ही फ़ोन के अंदर अगर मैं सिम स्लॉट की बात करूँ तो आप दो सिम लगा सकते हैं, लेकिन Redmi के फ़ोन में हमेशा की तरह आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, लेकिन Realme के फ़ोन के अंदर आपको दो सिम लगाने के बाद भी आप अलग से 256GB तक अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज के अंदर मिलेगा एज Realme के फ़ोन के अंदर। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोनों के अंदर आपको एंड्रॉयड का 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है, साथ में दोनों का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें MIUI है, दूसरे में फ्रंट टच का OS मिलता है। फ्रंट टच का जो OS है वो आपको काफ़ी हद तक आईफोन का एक तरह से एक्सपीरियंस देगा, और MIUI जो है वो आपको थोड़ा स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फीचर देने वाला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो Realme के फ़ोन के अंदर आपको मिलेगा 3500 mAh का बैटरी बैकअप, जबकि Redmi के फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी बैकअप। तो डेफिनेटली जो है बैटरी बैकअप के मामले में
एक बाजी मार के ले जाता है Redmi का फोन, तो उसके अंदर तो आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। साथ में एक और इस पे सिक्सर ये लगता है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो Realme के फोन के अंदर आपको नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज के अंदर बैटरी या चार्जिंग के मामले में Redmi के फोन ने जो है बाजी मार ली है। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि आपको Redmi Note 6 Pro के लिए जाना चाहिए या Realme 2 Pro के लिए जाना चाहिए, तो मेरा ये मानना है दोनों ही फ़ोन काफ़ी दमदार है, लेकिन अगर आप एक स्टाइलिश लुक चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप Realme के फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी टफनेस चाहिए, बैटरी बैकअप आपको अच्छा चाहिए और फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप Redmi के फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। दोनों ही फ़ोन के प्राइस 13,999 है। मेरे लिए दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, किसी को भी डाउन नहीं करूँगा, दोनों ही फ़ोन मेरे लिए एक बिग थम्स अप है। ये दोनों फ़ोन अच्छे हैं, जो भी फ़ोन ये खरीदेगा उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये था कंपैरिजन, एक फेयर कंपैरिजन मेरी तरफ से Realme और Redmi के दोनों फ़ोनों के बीच में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।